Hey guys, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। तो देखो यार, ये वाला वीडियो ना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोग कैसे सोलो रैंक गेम के अंदर गाइस नो बड़े बंदे ला सकते हो एंड नो बड़े बंदे मार के गाइस हेरोइक मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर बहुत ही आसानी से पुश कर सकते हो। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बट उससे पहले यार भाई, जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई फैमिली के मेंबर हो के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या कर रहे हो यार? बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। एंड गाइस एक चीज और, जिसको भी मेरे से बात करना गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाके मुझे मैसेज करो गाइस एंड मेरे को फॉलो करो और मैसेज करो, मैं सभी को रिप्लाई करने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को एक साइड वाले एरिया में उतरना है, ठीक है? चलो मैं गेम के अंदर आके आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस नूब लॉबी कैसे लाना है वो भी बताऊंगा एंड कैसे नूबड़े बंदे को मार के गाइस आप लोग बहुत ही आसानी से हर गेम बुया कर सकते हो, ठीक है? तो बस आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक साइड वाले एरिया में उतरना है। देखो बंदे आजकल ना रिवाइवल का मतलब ऑप्शन क्या दे दिया, 3 मिनट के अंदर मर के आप लोग रिवाइव हो जाते हो। तो भाई बंदे भीड़ वाले एरिया में उतर के गए, फिर से मर जाते हैं, उतर के मर जाते हैं और दोबारा भी मर जाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का रैंक माइनस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक साइड वाले एरिया में उतर के प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से लूट करना है। अब देखो यहाँ पे मेरा प्रॉपर वे में गए, एक अच्छे तरीके से लूट कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही मैं वहां से निकला, ठीक है? जैसे इस कार MP40 मैंने पूरा कंप्लीटली लूट कर लिया, ठीक है? एंड अभी बंदे भी बहुत ही ज्यादा कम बचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, इतने नूबड़े बंदे आएंगे ना आप लोग बस एंड तक देखना। ये देखो गाइस इस बंदे ने मीसा भी नहीं लगाया और जिप चला रहा था, जिसके कारण मैंने इसका काम तमाम कर दिया और यहाँ पे गाइस एक किल के साथ मेरा खाता खुल चुका है। अभी देखो यहाँ पे ना गाइस 20-22 ही बंदे बचे हैं, मतलब बंदे कम ही बचेंगे नूबड़े लॉबी के अंदर। लेकिन देखो गाइस आप लोग के साथ भी अगर नूब लॉबी आता है, जैसे मैं आप लोगों को ये वाला ट्रिक बता दूंगा, आप लोग पूरा एंड तक देखोगे ट्रिक पता चल जाएगा, फिर गाइस आप लोग भी नूबड़े बंदे लाने लगोगे। लेकिन आप लोगों को गाइस फिर से तुरंत जहां तक उतर के फाइट नहीं करने लगना है, क्योंकि जब तक अच्छा लूट नहीं होगा गाइस, एक अच्छा शॉर्ट रेंज वेपन, एक अच्छा लॉन्ग रेंज वेपन नहीं होगा, फिर आप भाई आप लोग गेम को बुआ ही नहीं कर पाओगे ना, कोई भी मार के चला जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छी जगह पर उतर के प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से लूट करना है, ठीक है? जैसे सबसे आप अगर वहां पे बंदा आता है फिर आप लोग फाइट कर सकते हो और मार सकते हो, क्योंकि रिवाइवल का 3 मिनट में ऑप्शन रहता है, तो फिर आप लोग रिवाइव भी हो जाओगे। लेकिन 3 मिनट के बाद आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से तो खेलना ही पड़ेगा यार, अगर आप लोग हर गेम बुझा चाहते हो, ठीक है? एंड बंदों का टेंशन मत लो गाइस, वीडियो को बस एंड तक देखना, क्योंकि ऐसे नूब बंदे आएंगे ना आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है? एक आध बंदा मार के रुको, यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखाई, देखो ना बंदा मुझे गोली छुए, मतलब ये देखो ये रहा बंदा, बंदे के काम तुम्हारा। इस नूबड़े बंदे ने मेरे को छुआ तक नहीं, पीछे से एक बंदा मार रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं बिना मेडिक ही उस चिरकुट का काम तमाम कर दूंगा। अभी रुको यहाँ पे है ये रहा बंदा, अभी रुको इस बंदे को बताता हूँ, बंदे का काम तमाम, बेचारे ने वॉल लगाया फिर भी मर गया। तो देखा गाइस कितने नूबड़े बंदे आते हैं, अभी देखो 16 ही बंदे बचे, लेकिन इसमें से आधे बंदे का तो मैं ही पोपट बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब दो तीन टिप्स बताऊंगा, ठीक है? 3 टिप्स मान के चलो, और उन सबको यूज करोगे तो भाई नूबड़े बंदे तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को जो लॉबी आता है ना गाइस, वो गाइस 7, 8, 13, 14 गाइस, ये 4 लॉबी में ही खेलना है। उसके अलावा अगर आप लोग सोलो रैंक पुश करते हो तो गाइस 7, 8 और 13, 14 ये 4 लॉबी में ही खेलना है गाइस, ठीक है? ये इसके अलावा आप लोगों को कोई भी लॉबी नहीं लगाना है। उसके बाद आता है गाइस कैरेक्टर स्किल। देखो कैरेक्टर स्किल के अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट कैरेक्टर स्किल भी बताऊंगा, जिसके कारण गाइस आप लोग वो सारे कैरेक्टर स्किल यूज करके बहुत सारा रैंक प्लस कर सकते हो। देखो नूबड़े बंदे तो आप लोगों को पता ही कि कहीं कहीं से छिपे रहते हैं, कैंप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए गाइस मैं यूज करता हूं क्रोनो, जिसके कारण गाइस अगर कोई बंदा मुझे मारता भी है तो मैं 360 गाइस, देखो बहुत सारे बंदे के पास वॉल नहीं होता है या फिर वो तुरंत तीनों चारों तरफ वॉल नहीं लगा पाते, ठीक है? तो गाइस इसके लिए, और वॉल लगाते भी है तो गाइस उसको फिर तोड़ना पड़ता है, इसके लिए मैं यूज करता हूं क्रोनो। और गाइस क्रोनो आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर स्किल जो आता है गाइस वो आता है मीसा। मैं ये वाला कैरेक्टर स्किल यूज करता हूं एंड इससे क्या होता है, मैं गाड़ी चला के जहां तहां पूरे मैप में घूम घूम के बंदे को मारता हूं, क्योंकि नूबड़े बंदे रहते हैं गाइस और किल भी बहुत ज्यादा करना रहता है, जिसके कारण मैं गाइस मीसा कैरेक्टर को यूज करता हूं और पूरे मैप के अंदर मैं घूम घूम के बंदे मारता हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद एक और कैरेक्टर यूज करता हूँ गाइस, जो कि अपना हयाटो, जो कि आप लोगों को पता है थोड़ा सा डैमेज देने पे कितना डैमेज बढ़ा देता है। एंड गाइस मारो कैरेक्टर जो कि आप लोगों को पता है लॉन्ग रेंज में गाइस 25% गाइस 25% तक गाइस ज्यादा डैमेज बढ़ा देता है, ठीक है? तो ये सारे कैरेक्टर स्किल मैं गाइस एक रैंकेड गेम के अंदर यूज करता हूँ और भाई सारा तो सारा गेम बुया होता ही होता है, ठीक है? एंड एक चीज और गाइस, एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पैट में ना गाइस मैं एक कूल डाउन वाला पैट यूज करता हूँ। अब कूल डाउन वाला पैट क्या है चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है?
तो गाइस देखो कोई भी एक रॉकी पेट है गाइस, ठीक है। एंड अगर आप लोग इस पेट का यूज करोगे तो भाई आप लोग का जो भी एक्टिव कैरेक्टर स्किल का गाइस जो है ना चार्जिंग टाइम घटा देता है 25% या आई थिंक 15% तक घटाता है, ठीक है। तो 15% गाइस चार्जिंग घट जाता है। अब देखो ये रहा बंदा मेरे को छू तक नहीं रहा, ये देखो ये रहा बंदा भाई, इतने नूबड़े बंदे है ना गाइस, देखो बंदे ने मेरे को छुआ तक नहीं यार भाई, एकदम बॉट बंदे आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलो गाइस मैं आप लोगों को दूसरा टिप्स बताता हूँ। ये देखो ये रहा बंदा, अभी नूबड़े का काम तमाम। तो बंदे के पास इंजेक्शन है, ठीक है। तो चलो इसका काम तमाम कर देते हैं सबसे पहले, एंड उसका इंजेक्शन अपन लोग लूट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखते ही देखते अपन लोगों ने 5 किल कर दिया और 9 बंदे बचे हैं, इसमें से आधे बंदे तो और मैं ही मार दूंगा, ठीक है। तो ये रहा बंदा, इसका भी काम तमाम। एक और बंदा पहाड़ी पे और ये भाई गुस्सा का बच गया, लेकिन कोई ना गाइस उसको भी अपन लोग मार ही देंगे, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गाइस दूसरा ट्रिक क्या है। तो दूसरा ट्रिक गाइस आप लोगों को ना एक एनएक्स्ट्रा गाइस मैप आता है, ठीक है। एक एनएक्स्ट्रा मैप और जो भी दूसरे मैप है गाइस जो कि अभी रैंक गेम के अंदर चलते हैं, वो दोनों मैप गाइस आप लोगों को डाउनलोड कर लेने। अब देखो उससे क्या होगा गाइस, देखो जो प्रो बंदे रहते हैं ना उसका आदत रहता है बरमूडा और परगिट्री में खेलने का, तो वो लोग बस यही दो मैप में खेलते हैं। और गाइस नूबड़े बंदे जिसको पता नहीं रहता वो लोग गाइस सारे के सारे मैप उसके फोन में ऑलरेडी डाउनलोड रहता है, एनएक्स्ट्रा तो डाउनलोड ही रहता है। एंड गाइस अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता ना तो आप लोग बस एनएक्स्ट्रा एक बार डाउनलोड करो गाइस, और जो भी मैप अपन लोगों के गेम में आता है गाइस वो सारे मैप्स आप लोग एक बार डाउनलोड करके उसमें खेल के देखो भाई। रैंक गेम में अगर वो वाला मैप आया ना तो गाइस 90% चांस है कि बंदा नूब ही आएगा आपके लॉबी में, ठीक है। मतलब 90 क्या गाइस 100% आप लोग 90-95% गाइस, मतलब वो आपके लॉबी में बंदा नूब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गाइस ये है, और उसके बाद देखो ये ऐसे बंदे आएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी तो फिलहाल मेरा बरमूडा मैप आया हुआ है, लेकिन मैंने चूंकि वो सारे मैप्स डाउनलोड करके रखा है इसीलिए गाइस इतने सारे नूब्स बंदे आ रहे हैं। एंड अभी 2 ही बंदे बचे, ठीक है। तो उन दोनों में से गाइस अपन लोगों को काम तमाम कर ही देंगे यार, नूबड़े ही बंदे गाइस, अच्छे बंदे प्रो बंदे थोड़ी ना है जो अपन लोग नहीं मार पाएंगे, ठीक है। बोट बंदे, तो चलो इन दोनों का भी अपन लोग बहुत ही आसानी से भी काम तमाम कर देंगे। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। देखो अब बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, अब देखो अगर मान लो 50 बंदे गाइस 50 बंदे का लॉबी है तो उसमें सारा बंदा तो नूब नहीं लोगा, आप ही खाली एक प्रो तो नहीं आओगे ना, एक दो और प्रो प्लेयर्स आते हैं गाइस। प्रो मतलब उतना प्रो नहीं, ठीक ठाक गाइस प्लैटिनम वाले बंदे आ जाते हैं, आप मतलब गोल्ड वाले नूबड़े ब्रॉन्ज सिल्वर वाले आते हैं, एंड उसमें से एक दो प्लैटिनम या फिर गाइस डायमंड वाले बंदे आ जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी आप लोग बहुत ही आसानी से मार सकते हो। अब देखो जैसे ये बंदा रहा, इसको तो मैं गाइस ऐसे ही चिपकूट को काम तमाम कर दूंगा। अब देखो अगर मिसा लेके खेलोगे ना भाई, जैसे ही उसको गाइस बंदे को ठोकोगे उस बंदे का पूरा मानसिक संतुलन ही खराब हो जाएगा, वो बंदा गाइस हवा में टकराएगा, और उसके बाद आप लोग उतर के जब तक वो लगाएगा ना तब तक उसका गाइस खात्मा करके आप लोग लॉबी तक भेज दोगे। यही है ना भाई, बस यही तो है यार, बस उस बंदे को लॉबी तक आप लोग तुरंत भेज दोगे। तो ऐसे करके ना आप लोग भाई बहुत ही आसानी से हर गेम को बुया कर सकते हो एंड बहुत सारा रैंक प्लस कर सकते हो। अब देखो एक बंदा बचा है, एंड गाइस एक चीज और, आप लोगों के एंड में थोड़े से टोकन बचा के रखना है जिसके कारण आप लोगों को बंदा ढूंढने में आसानी होगा। जो गाइस ये अपना मिशन छोड़ सकते हो आप लोग हर गेम के अंदर, जैसे अभी मैंने मिशन छोड़ा और मुझे पता चल गया बंदा ऊपर है, ठीक है। तो उसको मैं जाके बहुत ही आसानी से भी मार दूंगा एंड गेम को बुया कर लूंगा एंड बहुत सारा रैंक प्लस कर लूंगा। अभी देखो गाइस, ठीक है, आप लोग इस बंदे को भी देख लेना भाई, इतने नूबड़े बंदे ना मैं क्या ही बताऊं, इसको बहुत ही आसानी से मैं मजे में मार दूंगा। ये देखो गाइस बंदे के कपड़े देख रहे हो भाई, गोल्ड वाले सस्ते फर्जी कपड़े पहन के आए। अब देखो गाइस मैं कपड़े से किसी बंदे को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गाइस अगर आप लोग ये सब करके खेलोगे ना तो आप लोग बहुत ही आसानी से गाइस हर गेम के अंदर नूब बंदे ला सकते हो। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको मूवमेंट करके, इसको देखो गाइस कितना मारने का मौका दूंगा मैं, ठीक है। बट ये बंदा मार ही नहीं पाएगा भाई, देखो ये गोली छू तक नहीं पा रहा, ये देखो। एंड ये लगा, ये देखो इंजेक्शन, इसको लैंडमाइन लगा के मारता गाइस, मजे से इसको मारता है, ठीक है। ये लगाया लैंडमाइन, अभी देखना ये जैसे ही उठेगा ना इसका काम तमाम हो जाएगा। ये रहा बंदा भाई, लैंडमाइन से पड़ गया, देखो कितनी आसानी से अपन लोगों ने बुया कर लिया। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि अपन लोग ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड तगड़ी वीडियोस बनाते रहते हैं। एंड एक चीज और यार, जिसको भी मेरे से बात करना है जल्दी से जाके गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके मुझे फॉलो करो एंड मैसेज करो, मैं सभी को रिप्लाई करूंगा एंड सभी से बात करने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी से जाके कर लो, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।